क्वेश्चन नंबर वन, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन नंबर पैटर्न आर, इसमें से कौन सा पैटर्न चल रहा है? ए 8, 27, 64, बी 2060। इसमें हम देख पा रहे हैं 8 हमारा 2 का क्यूब हो रहा है, अर्थात इस नंबर के लिए हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब हो रहा है इस पर 8, फिर 27 3 का क्यूब हो रहा है, 64 4 का क्यूब हो रहा है, और 2006 का क्यूब हो रहा है। तो ये हमारा हो जाता है 5 का क्यूब, और ये हो जाता है 1 का क्यूब। तो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए बी 1 और 125। 5 का क्यूब हो जाता है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इमेजिनेशन ये वर्ड है, इसमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड नहीं बनता है? जी आई ए एंड ये वर्ड इससे बन जाता है। दूसरा मैंगो, मैंगो को चलिए देख लेते हैं, एम ए एन जी मैंगो शब्द भी बन गया। नेक्स्ट तीसरा हम देख लेते हैं ए एम ओ एन और ये जी अमाउंट भी बन गया। एंड फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन में टॉनिक, टॉनिक में आपका हो जाता है टी ओ एन आई सी वर्ड यहाँ पे हमारा नहीं मिलता है इस वर्ड में। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इमेजिनेशन वर्ड से टॉनिक शब्द नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट पेयर ऑफ लेटर इन द गिवन सीरीज। इस पेयर में नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीरीज किस प्रकार चल रही है। पहला है यहाँ पर के जे आई एच जी, और इधर वाले चल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, यानी चलिए इसको हम फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज, इसको हम यहाँ से समझते हैं, इसको हम इस प्रकार बनाते हैं। पहली वाली सीरीज चल रही है ए, फिर ये हो रहा है ये सेकेंड वाले लेटर जो हमारे चल रहे हैं इसको देखिए ए बी सी छोड़ के फिर डी ई एफ छोड़ के जी फिर सी एम और ए पी, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद फिर एन ओ और लास्ट में ये वर्ड हो जा रहा है पी, तो यहाँ पर ले जाएगा। नेक्स्ट पहले वाले ए के लिए हम देखेंगे के जो है पीछे से जा रहा है, कोई भी वर्ड नहीं छूट रहा है, जी एच आई जे के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एफ, तो एफ जी एच आई जे के सेलेक्ट चल रही है, कोई भी लेटर के बीच में क्या उठेगी? तो आंसर क्या हो रहा है? एफ और पी, एफ पी ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paatsha Baba Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास फोर्थ के इंटरनेशनल लिसनिंग एंड एप्टीट्यूड ऑल ऑफ दैट से सैम्पल पेपर एंड सिलेबस लेकर आए हैं। इसके सबसे पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम सिलेबस सीखेंगे। पहला है सीरीज ऑप्शन से हो जाता है, एनालॉजी में बोथ वर्ड बेस्ड एंड न्यूमेरिकल और वन आउट बोथ वर्ड बेस्ड एंड न्यूमेरिकल्स। इंग्लिश डिक्शनरी बेस्ट वर्ड अरेंजमेंट मिसिंग लेटर एंड नंबर्स, जिससे 6 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स 18। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाता है कोडिंग, कोडिंग से हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग सिंबल्स मैथ ऑपरेशन, जिससे 3 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 9 हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से हो जाता है सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन डायरेक्शन पेज, जिससे 5 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ
मार्क्स पर फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट एनालिटिकल में रैंकिंग मिसिंग कैरेक्टर बॉक्स कंटेनिंग सम लेटर यू हैव टू फाइंड मिसिंग नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल इमेज बेस। इमेज बेस में आपका हो जाता है मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ फिगर कॉन्फिगरेशन फिटिंग पीसेस एंड ऑफ पीसेस। एंड नेक्स्ट हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें नंबर सिस्टम अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रांसलेशन। एंड नेक्स्ट इस वजह से हमारा इसमें डेटा हैंडलिंग एंड स्कॉलर जॉब। स्कॉलर जॉब जो कि अदर सॉल ऑफ डेट में अचीवर सेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं जो ऑलमोस्ट सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट का क्वेश्चन पूछकर क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है जिससे पर क्वेश्चन मार्क्स 5 है टोटल 4.5। इस प्रकार 22.5 मार्क्स के आपके स्कॉलर जॉब से क्वेश्चन आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहते हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। एंड टाइमिंग ड्यूरेशन जो है यह हमारा 40 मिनट्स का रहता है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट पेपर टाइमिंग 40 मिनट्स। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग इज बी और इसके अंदर सी लिखा गया है। इसका हमें मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज में हमेशा लेटर या कोई भी इमेज जो है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव करती है। तो डी अगर हम इस तरह लिखते हैं तो मिरर इमेज में इस प्रकार ये उल्टा लिखाएगा और सी जो है इसका अपोजिट इस प्रकार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं। सम लेटर्स एंड देयर कोड हैव बीन गिवन ऑर्डर। इसमें कुछ ये लेटर्स दिए गए हैं बीच बीच में ये जो वर्ड है उसके नीचे इसके सिंबल दिए गए हैं जैसे ए के लिए डी सी के लिए 5 ई के लिए जे इस प्रकार बी ई ए सी एच बीच के लिए कौन से वर्ड हैं ये क्या सिंबल होंगे। तो चलिए इसको मैंने इस तरह लिखकर रखा है आपको दिखा देती हूँ। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये हो गया बी ई ए सी एच बी एच के लिए बी के लिए 8 हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह करना है बी के लिए 8 हो रहा है ई के लिए हमारा जे हो रहा है। देखिए जे हमने लिखा है बी ई ए ए के लिए डी सी के लिए 5 और एच के लिए 1। तो ये हमारा हो रहा है 8JD5Y। तो करेक्ट आंसर हो रहा है इसमें ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिल्वर ओलंपियाड की क्लास 4 सेकेंड एंड थर्ड के भी मैंने सैम्पल पेपर एंड सिलेबस क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज डाले हैं। क्लास से थर्ड तक एंड फोर्थ के चैप्टर वाइज आपके सिलेबस वाइज चलते हैं। कौन से सब्जेक्ट के क्या सैम्पल पेपर और सिलेबस रहेंगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट या क्लास वाइज के ओलंपियाड पेपर किस प्रकार के आते हैं उनके सिलेबस क्या है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। इफ ट्रायंगल मीन्स हेक्सागोन हेक्सागोन मीन्स सर्कल सर्कल मीन्स पेंटागोन एंड पेंटागोन मीन्स स्क्वायर देन व्हाट इज द पॉलीगोन। कौन सा इसमें पॉलीगोन नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। दिस इज नॉट ए पॉलीगोन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। इफ एल इज द ब्रदर ऑफ एम जी इज द डॉटर ऑफ एम एंड क्यू इज द वाइफ ऑफ एम देन हु इज द अंकल ऑफ जी। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल और एम ब्रदर हैं तो यहाँ पे हमने एल और एम ब्रदर लिख दिया। जी इज द डॉटर ऑफ एम एम जो है जी की डॉटर है तो एम हमने यहाँ पर जी जो है एम की डॉक्टर इसके नीचे जी को लिख दिया। क्यू इज द वाइफ ऑफ एम तो एम और क्यू हस्बैंड वाइफ हो गए
देन हु इज द अंकल ऑफ जी. तो अंकल जी के अंकल कौन हो गए? एल. तो करेक्ट आंसर हो गए ऑप्शन डी, एल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट. राहुल इज ओल्डर देन मोहित. चलिए इसको हम करते जाते हैं साथ में. सबसे पहले स्टेप के अनुसार राहुल इज ओल्डर देन मोहित. तो राहुल मोहित से बड़ा है. मोहित और मोहित इज ओल्डर देन अमित. तो मोहित अमित से बड़ा है. तो इसको हम इस प्रकार से क्वेश्चन में लिख लें. नेक्स्ट जो हमारा रेखा इज द यंगेस्ट एंड संजय इज द एल्डेस्ट. तो यहाँ पर रेखा को यंगेस्ट में हम सबसे लास्ट में लिख दे रहे हैं और संजय इज द एल्डेस्ट यानी संजय सबसे ओल्ड है और रेखा सबसे यंग. इस तरह इसको हमने अरेंज कर दिया. अरेंज करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कहा जा रहा है कि थर्ड पोजीशन पे कौन होगा. तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस तरह ले लेते हैं 5 4 3 2 1. तो तीसरे पोजीशन पे हमारा कौन हो रहा है? मोहित. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहित. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द मैचिंग पेयर. जिस प्रकार मैचिंग ये दोनों मैचिंग है उसी प्रकार इसका पेयर हमें देखना है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच के ट्रायंगल शेप एज इट इज यहाँ पर है बीच पोजीशन पर है. सर्कल जो है आगे चला जा रहा है और स्क्वायर जो है अंदर आ रहा है. इसी प्रकार इसमें ट्रायंगल हमारा एज इट इज हो जाएगा, सर्कल हमारा बाहर आ जाएगा और हेक्सागोन जो है ये अंदर आ जाएगा. ये हेक्सागोन हो जाएगा और नीचे ट्रायंगल एज इट इज आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सर्कल बाहर आ गया, ट्रायंगल बीच में, यह आंसर इधर आ गया. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने सर्कल. देखिए सबसे पहले तो ये बीच में सर्कल है, एक मिनट फिर से मैं इसको हटा देती हूँ. सर्कल ये वाला हम लोग हैं, इस प्रकार ये सर्कल बना हुआ है. सबसे पहले ये बीच में सर्कल है, ये एक, दो, ये तीन और ये चार. इस प्रकार ये पांच सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं. जो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी. यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन बी. फाइव सर्कल है, 1 2 3 4 और बीच वाला ये सर्कल है ये 5. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया. इसी प्रकार की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें. थैंक यू.